हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज बात करूंगा कि एनडीए की तैयारी करने का सबसे सही टाइम क्या है। तो वैसे तो मैक्सिमम 6 से 7, कभी कभी 8 अटेम्प्ट्स भी मिलते हैं एनडीए के। बच्चों को ये मालूम नहीं होता कि क्लास 11 से वो एलिजिबल हो जाते हैं एनडीए का एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि क्लास 11 से बच्चे को एनडीए की तैयारी करनी चाहिए। अगर कहीं उनको प्रोविज़न मिलता है कि कहीं किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करने का, जहाँ पर वो स्कूलिंग भी बच्चे की करा दें और साथ साथ एनडीए की तैयारी भी हो जाए, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी ऐसा ही प्लेटफॉर्म बच्चों को देता है, जिसमें बच्चों की स्कूलिंग के साथ साथ हम लोग बच्चों को एनडीए की कोचिंग भी देते हैं। तो क्लास 11 से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे के लिए एनडीए की तैयारी करने के लिए, क्योंकि 11th 12th की मैथ्स तो एनडीए में आती ही है। तो जो बच्चा कोचिंग में पढ़ेगा, वो उसको कहीं ना कहीं उसके अकेडमिक्स में भी हेल्प करने वाला है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और कुछ बच्चे हमारे पास 12th के बाद भी आते हैं, लेकिन 12th के बाद फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उनके कम हो जाते हैं। किसी के पास एक अटेम्प्ट बचता है, किसी के पास 2 अटेम्प्ट्स बचते हैं, किसी के पास 3 अटेम्प्ट्स बचते हैं। तो ये आप सोच लीजिएगा कि आप क्लास 11th से अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे उसको निकालने के या उसको क्वालिफाई करने के। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेटा SSB थोड़ा सा डाइसी होता है, थोड़ा सा लक फैक्टर भी उसमें इन्वॉल्व होता है। कभी कभी बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाता है SSB में, कभी कभी बच्चे 5-6 SSBs देते हैं तब भी सिलेक्शन नहीं होता। तो आपको कंटिन्यूसली यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। SSB जितनी ज़्यादा दे सकते हैं दें, ठीक है, लेकिन वो तभी बच्चा दे सकेगा जब उसको पता होगा कि क्लास 11 से मैं एनडीए के लिए एलिजिबल हो जाता हूँ, ठीक है। सो क्लास 11th इज़ द परफेक्ट टाइम। जो बच्चे नहीं आ सकते क्लास 11th में कहीं कोचिंग सेंटर कोचिंग करने के लिए, तो वो एनडीए के अकॉर्डिंगली पढ़ें। जो उनका एकेडमिक्स है वही पढ़ना है उनको, एकेडमिक्स को अच्छे से पढ़ें, मैथ्स को फोकस करें, एनडीए के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करें, और थोड़ा सा मैं कहूँगा बच्चों से कि GK भी देखें, करंट अफेयर्स में भी ध्यान दें, और कहीं ना कहीं वो उनको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगा। और अपनी अपनी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स में फोकस करें, अपनी जहाँ जहाँ वो रहते हैं अपनी जगह रहते हुए, ठीक है, ठीक है बेटा।